नेक्स्ट जगह आता है एटीनोनॉल, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आपके किससे रिलेटेड है, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, 4-2-हाइड्रोक्सी 3-1-आइसोप्रोपाइल अमीनो प्रोपॉक्सी बेंजीन एसिटामाइड। 4-2-हाइड्रोक्सी, 2-हाइड्रोक्सी कहाँ है, यहाँ, ठीक है। 2-हाइड्रोक्सी, 3-1 यानी 1-2 पोजीशन पे ये है, यानी कि 2-3 पोजीशन पे क्या है, 1-आइसोप्रोपाइल, ये आपका 1 हो गया, 1-2-3, 1-2-3, 3 पे क्या है, सॉरी 1 और 2, 2 पे आपका क्या है, हाइड्रोक्सी लगा है, 3-3, 1 पे क्या है आपका आइसोप्रोपाइल अमीनो, आइसोप्रोपाइल अमीनो प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी का मतलब 1-1-2-3, ठीक। इसके साथ क्या लगा, ऑक्सीजन लगा, जिसको क्या कहेंगे, प्रोपॉक्सी बेंज एसिडामाइड। ये आपका बेंजीन है, उसके साथ क्या लगा, नाइट्रोजन और आपका कार्बन के साथ, यानी कि CH2CO NH2 आपका क्या है, एसिडामाइड को रिप्रेजेंट करता है, और किसके साथ अटैच है, आपका बेंजीन के साथ, उसको क्या कहेंगे हम, बेंज एसिडामाइड। यहाँ तक आपका पूरा आता है बेंज एसिडामाइड, ठीक। और आपका प्रोपॉक्सी, ये आपका आता है CH2C CH2O, तो ये आपका होगा प्रोपॉक्सी। ये आपका होगा आइसोप्रोपाइल, किसके साथ, विद अमोनिया के साथ, और 2 पोजीशन पे आपका क्या दिया है, हाइड्रोक्सी। ये आपका हो गया एटिनोनॉल का आईपीसी नेम। अब आता है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज क्या है कि इट इज अ वाइट एंड ऑलमोस्ट वाइट पाउडर, स्प्रिंगली सॉल्विन इन द वाटर बट सॉल्विन इन इथेनॉल। इट इज अ बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग विथ लो लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी लो होती है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एसेंशियल हाइपर, स्पेशली क्या है, एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए ये यूज किया जाता है ड्रग, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा ड्रग आता है मेटोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल ये उसका आईपीएससी नेम है, उसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे, 1,4-2-मिथॉक्सीइथाइल, 2-मिथॉक्सीइथाइल। तो यहीं पर देख लो पहले, ये आपका क्या है, मिथॉक्सी CH3O मिथॉक्सी इथाइल, आपका ये है CH2 का होल ट्राइब, आपका क्या हो जाएगा, इथाइल मिथॉक्सी। फिर क्या लिखा, फिनॉक्सी, यानी कि आपका ये फिनाइल रिंग, उसके साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है, तो ये आपका हो गया फिनॉक्सी, ठीक। फिर यहाँ पे क्या, आइसोप्रोपाइल अमीन, यहाँ पे आपका क्या है, CH CH3 का होल ट्वाइस, आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमीन। अब फिर 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल कैसे, CH2 C CH2, और एक कार्बन के पे, सेकंड वाले कार्बन पे ऑल, यानी 2 क्यों लिखा गया है कि इसके सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि नॉल, जिसकी वजह से नोल, तो प्रोपेनॉल CH2COH और CH2, तो ये प्रोपेनॉल। तो फिर से देखिए, 2-मिथॉक्सीइथाइल, ये आपका मिथॉक्सी इथाइल फिनॉक्सी, यहाँ तक फिनाइल के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ तो फिनॉक्सी, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमीनो, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल CH2COH CH2। ठीक, इस किसका स्ट्रक्चर है, मेटोप्रोलॉल, मेटो प्रोलॉल का, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज, वाइट कलर, ऑर्डरलेस पाउडर, बिटर इन टेस्ट एंड वाटर में सॉल्युबल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, बट इन सॉल्युबल किसमें, इन एसीटोन और इथन। ये कौन सी ड्रग है, बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, जो कि ट्रीटमेंट होता है इसका भी हाइपरटेंशन में, हम लोग इसका ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग आता है लैबिटोलॉल। लैबिटोलॉल ये इसका स्ट्रक्चर दिया है लैबिटोलॉल का, ठीक, ये इसका क्या दिया है, आईपीएससी नेम। इसमें पहले देखो नाम क्या है, 5-1-हाइड्रोक्सी 2, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सी, यहाँ भी हाइड्रोक्सी है, यहाँ भी हाइड्रोक्सी है, ठीक है।
5 हाइड्रोक्सी 2 1 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपाइल, 3 1 मिथाइल 1 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपाइल। वन पे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, थ्री फिनाइल, थ्री कार्बन पे यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, और प्रोपाइल यानी कि वन कार्बन टू कार्बन एंड थ्री कार्बन, वन टू थ्री, वन पे मिथाइल ग्रुप, थ्री कार्बन पे आपका एक फिनाइल ग्रुप, और आपका प्रोपाइल क्या हो गया, वन टू थ्री कार्बन है तो प्रोपाइल, इतना ये आपका हो गया यहाँ तक। फिर अमीनो, इस पे एनएच लगा है तो अमीनो, ठीक, इथाइल सी एच टू सी एच इथाइल, सैलिसिलामाइड, ये आपका हो गया सैलिसिलामाइड सी ओ एन एच टू। वन हाइड्रोक्सी ये है आपका, वन हाइड्रोक्सी, ठीक, वन हाइड्रोक्सी, वन मिथाइल, थ्री फिनाइल प्रोपाइल, अमीनो, इथाइल, ठीक है, इथाइल, फिर सैलिसिलामाइड। ये आपका क्या लैबिटॉल का स्ट्रक्चर है, इसका एफसी नेम प्रॉपर्टीज और यूजेस, इट इज अ व्हाइट एंड ऑलमोस्ट व्हाइट पाउडर होता है, स्प्रिंगिंग सॉल्युबल होता है वाटर में और एल्कोहल में, बट इन सॉल्युबल होता है किसमें, मिथाइलिन क्लोराइड में, मिथाइलिन क्लोराइड में इन सॉल्युबल होता है। लैबिटॉल इज अ फिनाइल इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव, ये फिनाइल इथेनॉल CH2CHOH इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव है, दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एट बोथ B1 और B2, ये B1 और B2 दोनों रिएक्टेंट जो रिसेप्टर्स होते हैं दोनों पे ही क्या करता है, एक्ट करता है एट द अल्फा वन एडिनर्जिक रिसेप्टर, इट इज अ मोर पोटेंट बीटा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट देन अल्फा एंटागोनिस्ट, यानी कि इसके पास बीटा का भी है अल्फा का भी है, अल्फा वन पे भी रिएक्ट करता है, बट इसका जो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है अल्फा एगोनिस्ट के कंपैरिजन में इसका ज्यादा एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मोर पोटेंट है किसके, बीटा वाला अल्फा से मोर पोटेंट है। इट हैज टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, मिक्सचर ऑफ द फोर आइसोमर्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द यूज क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंसिव, बेसिकली जो बीटा ब्लॉकर जो भी है आपके हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट आइसोमर हाउएवर पॉसेस डिफरेंट अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट आता है कार्बिडायोल, कार्बिडायोल का इट एक्ट्स ऑन बोथ बीटा एंड अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा एंड अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स वनली डेल्टा आइसोमर एंड बीटा, सॉरी, इट एक्ट बोथ बीटा एंड अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, केवल जो डेल्टा आइसोमर होता है वो क्या होता है बीटा ब्लॉकिंग होता है, एंड इंसेंसियोमर होता है अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी के लिए, यानी कि जो कार्बिडायोल है वो दोनों के लिए एक्टिव है, अल्फा के लिए बीटा के लिए, बट बीटा पे कौन सा, उसके जो आपका डेल्टा आइसोमर होता है इसका जो डेल्टा आइसोमर जो स्ट्रक्चर होता है वो बीटा ब्लॉकिंग होता है, और जो दोनों इंसेंसियोमर होते हैं वो अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी को शो करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है कार्बिडायोल का, ठीक, इसमें क्या लिखा है, कार्बाजोल 4-हाइड्रोक्सी 2-3-2-2 मिथॉक्साइल फिनॉक्सी इथाइल अमीन 2-प्रोपेनॉल, फिनॉक्सी यहां से देख लो 2-मिथॉक्सिल फिनॉक्सी, ये आपका हो जाएगा मिथॉक्सी फिनॉक्सी इसके साथ, ठीक है, ये फिनाइल के साथ ऑक्सीजन है तो आपका फिनॉक्सी मिथॉक्सी फिर इथाइल CH2 CH2 अमीन, यहाँ तक ये जो ब्रैकेट वाला है क्या है, 2-मिथॉक्सिल फिनॉक्सी और इथाइल अमीन अमीनो प्रोपेनॉल CH2 CH CH2 OH, यहाँ पे CH2 CH KOH CH2, ठीक, यहाँ पे इतना कंप्लीट, और ये कार्बाजोल ये आपका जो स्ट्रक्चर है किससे रिलेटेड है, कार्बन, ये आपका कहा कार्बिडाइऑल का स्ट्रक्चर,
properties and uses. It is a white crystalline powder, insoluble water में, dilute acid में और alcohol में soluble होता है. It shows polymorphism and treating the hypertension and congestive heart failure में ये use होता है. For angina pectoris में भी use होता है, heart failure में भी. उसके according इसके doses को क्या किया गया, अलग अलग classified किया गया, अलग अलग बताया गया. ये आपका था बीटा ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में, ठीक है.